तो दोनों पेपर में गैप है, तो हमें इस तरीके से उनको बैलेंस करना है ताकि हम तीनों ही पेपर की अच्छे से तैयारी कर सकें। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आरके दुबे, एड अंकल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करते हैं फ्रेंड्स कि जो ये असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम RPSC राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा करवाया जा रहा है, जिसकी जो थर्ड पेपर है, थर्ड पेपर की जैसे हमने बात की थी जो हमारे पहले के वीडियो में बताया था कि RPSC ने जो डेट का अनाउंसमेंट किया था, और जो थर्ड पेपर है इसका कि राजस्थान का जो GK है थर्ड पेपर में, उस राजस्थान के GK में किस तरीके से हम उसको तैयार करें कि हमारी ये जो एग्ज़ाम होने वाला है 7 जनवरी 2024 को जो डेट फाइनल करी है थर्ड पेपर की, वहाँ पर एक अच्छा सा स्कोर कर लें। तो देखते हैं कैसे करें थर्ड पेपर की तैयारी में। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो राजस्थान सामान्य जो अध्ययन नाम से जो पेपर है, इसमें जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन की संख्या है 100, यानी 100 क्वेश्चन वहाँ पर PSC हमसे पूछेगी, जो होंगे 50 मार्क्स के। तो अब इसमें होता क्या है कि 50 मार्क्स के हैं, और फ्रेंड्स देखा जाता है जनरली कि सब्जेक्ट के जो पेपर है वो डिपेंड करता है कि हमारा जो सब्जेक्ट है उसका हमने किस लेवल तक जाकर उसको अच्छे से तैयार कर रखा है। लेकिन बात थर्ड पेपर की है, तो थर्ड पेपर में हम देखते हैं कि जनरल पेपर होता है। जनरल का मतलब ये है कि ना तो ज़्यादा टफ ना ज़्यादा लो लेवल का, एक अच्छा पेपर होता है। और कहीं ना कहीं हम ये मांग लें 50 में से ये कि 30-35 के आसपास अगर स्कोर होता है तो ये थोड़ा सा वेटेज बढ़ा देता है कि आप मतलब चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं इस पेपर से कि आपका सिलेक्शन होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। आगे हम बात करें कि ये जो थर्ड पेपर है, थर्ड पेपर को जो डिवाइड किया गया है इस 100 क्वेश्चन में, तो वहाँ पर हम ये देखते हैं कि उन 100 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन तो राजस्थान पॉलिटिक्स से रिलेटेड होते हैं। वही 20-20 का डिवाइडेशन किया है, जिसमें राजस्थान इकोनॉमी है, राजस्थान हिस्ट्री एंड कल्चर वाला है, और राजस्थान जियोग्राफी और राजस्थान करंट अफेयर्स यहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे। इस तरीके से 100 क्वेश्चन का यहाँ पर तैयार हो जाता है। अब देखिए कि राजस्थान पॉलिटी से रिलेटेड क्या है कि आपको करना क्या है कि मार्केट्स में देखिए फ्रेंड्स, और अभी तक आप पढ़ भी रहे हैं तो आपके पास जो भी कंटेंट उपलब्ध है उस कंटेंट को आप अच्छे से तैयार कीजिए। पहली बात, यहाँ पर सभी अभी जो तैयारी कर रहे हैं कोई ना कोई वो लेकर आए होंगे और उसे तैयार कर रहे होंगे, क्योंकि अभी भी हम देखते हैं कि कम से कम 2 महीने की टाइम है आपके पास इस पेपर को तैयार करने के लिए। नया इसलिए नहीं सजेस्ट किया जा सकता कि पढ़ने के साथ आपको उसका रिवीजन भी करना होता है, यानी अगर राजस्थान अध्ययन वाला जो पेपर है कम से कम 4-5 बार इसका रिवीजन होना चाहिए, तब जाकर हम एक श्योरिटी में क्वेश्चन में आ पाते हैं। एक या दो बार में फ्रेंड्स होता क्या है कि हम गैस वाली कंडीशन में रहते हैं कि ये वाला ऑप्शन भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो आपके पास जो भी अभी आपने कंटेंट यूज कर रखा है उस कंटेंट को कम से कम 4-5 बार रिवाइज कीजिए। और वैसे मार्केट में कई बुक्स हैं राजस्थान पॉलिटी के लिए, चौधरी सर की भी है हम देखते हैं, और बहुत से यहाँ पर हम नाथ की भी ला सकते हैं, तो कई सारी बुक हैं तो वो मिल रही हैं। राजस्थान इकोनॉमी के लिए ध्यान रखना फ्रेंड्स कि आर्थिक समीक्षा और बजट वाले जैसे टॉपिक हैं इनको आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर कवर करने हैं। जितनी जो पॉलिसी है वहाँ से क्वेश्चन, ये मान के चलिए कि असिस्टेंट प्रोफेसर में बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ से पूछे जाते हैं, तो आर्थिक जो समीक्षा है हमारा तो वहाँ पर आपको बहुत अच्छे से तैयार करना होगा। उसके बाद हम देखें कि राजस्थान हिस्ट्री और कल्चर, ये थोड़ा सा वास्ट हो जाता है यहाँ पर कि राजस्थान का जो कल्चर है, आर्ट और कल्चर है, ये थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन फिर भी हम क्या करें कि बहुत सारी हमारी बुक्स हैं मार्केट के अंदर, जिसमें मैं तो ये करूँगा कि एक शॉर्ट बुक्स आप नाथ वाली ले लीजिए तो वहाँ से आपका ये क्वेश्चन हो जाएंगे। उसके बाद है राजस्थान ज्योग्राफी, इसके भी 20 क्वेश्चन हैं, और राजस्थान करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के लिए आप मुंबल ले सकते हो, ठीक है, और हम ये देखें उसके जो 2 महीने वाला है या 6 महीने वाला वाशिंगकांग वो ले सकते हो, वहाँ से अच्छे से राजस्थान की जो ये करंट अफेयर्स है उसको तैयार कर सकते हो। ये आपकी चॉइस है, आप जो भी चाहो, जो भी अच्छा लगता है, जो पढ़ते हो वो प्रिफेयर कर सकते हो, लेकिन करना क्या है कि इसका रिविज़न भी होना चाहिए। अगर रिवाइज नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं वो जो चीज़ें हैं वो डाउट में चली जाएगी। आगे हम बात करें फ्रेंड्स कि ये जो राजस्थान के जितने भी हमने कंटेंट की बात करी 20-20 क्वेश्चन की, अब इसके बाद तैयार करने के बाद आपको प्रैक्टिस सेट, या तो आप किसी न किसी एक जो टेस्ट सीरीज है उस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लीजिएगा,
जब लास्ट एक महीना रह जाए तो उसमें एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। और प्लस मार्केट में कई सारे के अभ्यास यानी आपके लिए देखिए प्रैक्टिस सेट होंगे, तो जितने ज़्यादा प्रैक्टिस सेट निकालोगे, उन ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन हैं उनको सोल्व करोगे, तो आपका कहीं ना कहीं ये यहाँ पर अपने जो मैटर है उससे रिलेटेड कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, क्योंकि आपके दो पेपर हो रहे हैं, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे, तो साथ में उनको भी लेकर चलना है। और ये है कि पेपर में गैप है, क्योंकि जो हमारा फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर है वो करीब जाकर मान के चलिए कि फरवरी लास्ट या मार्च तक पीएससी करवाएगी, अभी उन्होंने फिक्स नहीं कराया लेकिन बताया है कि संभावित बताया है कि हो सकता है, तो दोनों पेपर में गैप है, तो हमें इस तरीके से उनको बैलेंस करना है ताकि हम तीनों ही पेपर की अच्छे से तैयारी कर सकें। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आपसे यही उम्मीद है कि इस टॉपिक को, इस आपका जो लक्ष्य है असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसको बिल्कुल आप अचीव कीजिए। साथ ही इसी तरीके जो अपडेट है और स्ट्रेटजी वाली जो है इन्फॉर्मेशन, उसके लिए हमारे जो टेलीग्राम चैनल है एड अंकल फर्स्ट, इससे जुड़िए आप, और हमारा जो एड अंकल यूजीसी नेट की तैयारी है यूट्यूब चैनल, इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि जितनी भी जो अपडेट्स है एग्जाम से रिलेटेड वो आपको समय समय पर मिलती रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।